As per I remember that in the previous class we have discussed several infections, modes of infections, and the reason behind the infections, abiotic and biotic differences. And I had given a homework that there are the list of certain diseases in which you just have to find symptoms. तो होपफुली हर बच्चे ने ये कंप्लीट किया होगा। अब हम आज कुछ नहीं करेंगे, किसी भी बच्चे को रैंडमली अनम्यूट करेंगे नाम लेकर के और उसको आंसर बताने के लिए बोलेंगे। सो एवरीवन्स, आई एम जस्ट गिविंग यू 2 मिनट्स फॉर द रिवीजन। जस्ट हैव अ वेरी क्विक रिवीजन ऑफ ऑल द डिजीजेस, ठीक है? अपना माइक वाइक चेक कर लीजिए सब लोग। ये नहीं सुनने में आया कि सर ये प्रॉब्लम हो गया, वो प्रॉब्लम हो गया, नहीं सुने, या अगर किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया, ठीक है, मैं तुरंत उसको किक आउट करूंगा क्लास से। सो जस्ट बी वेरी सिंसियर। सारे डिजीजेस का एक एक बार सिम्टम आप देख लीजिए, कम से कम 2 सिम्टम्स आप बताएंगे तब आपको हाँ मतलब अप्रिशिएशन मिलेगा। तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ एवरीवन। वेन एवर यू विल कंप्लीट द रिविजन जस्ट रेज योर हैंड एवरीवन। हाँ अरे हमने 2 मिनट दिया था, तुम लोगों ने 3 मिनट से ज्यादा ले लिया, अभी तक कोई हैंड रेज नहीं कर रहा है। ऐसे थोड़ी होगा, रिवीजन का भी एक स्पेसिफिक टाइम होता चलिए ठीक है। जितने बच्चे एक्टिवली सुन रहे हैं मेरी बात अगर पहुंच रही है तो हैंड रेज कर लीजिए। बच्चे सभी सभी बच्चे हैंड रेज करेंगे। समृद्धि ने किया, अस्थानी आयुष ने किया, अदिति, रिद्धि, ओके,
ऑलमोस्ट रिधि ऋषु आशु विश अनुराग प्रज्ञा भार्गवी वैभव सबने किया, किसने नहीं किया है? ऋषु कुमार, सूरज एंड आदित्य राज, शुभम कुमार। क्या बात है भाई साहब, हैंड रेस करना नहीं आ रहा आप लोग को या नेट काम नहीं कर रहा आपके यहाँ? सॉरी, ऋषु ने तो किया शायद, सूरज आदित्य शुभम। चलिए बच्चों, पुट योर हैंड्स डाउन। ओके, पुट योर हैंड्स डाउन एवरीवन। सो वी विल स्टार्ट विथ आस्था कुमारी। आस्था, मैंने आपको अनम्यूट किया है। यस सर। इन्फ्लुएंजा के दो सिम्टम्स बताइए कोई। इन्फ्लुएंजा, जल्दी सर, फीवर। अच्छा। और और सर, हेडेक। देख के तो नहीं बताया कहीं से? अच्छा नो सर। ठीक। आशु, यस सर। मिजल्स। सर, दिस सिम्टम्स आर सर, बॉडी इज सफरिंग ऑफ फीवर एंड फैटिग, एंड इस नेसल इज रनिंग नोज और स्नीजिंग, एंड इट्स ऑल्सो कॉमन स्किन रैश और ड्राई कफ एंड फैटिक का मतलब आप क्या समझते हैं? क्या सर? फैटिक आपने बोला एक टर्म, फैटिक का मतलब फैटिग सर, नो आइडिया। फैटिक का मतलब थक जाना, टायर्ड, काम नहीं कर पाना। ओके ठीक है। सर। एंड सर, आल्सो कॉमन सर, ड्राई कफ एंड स्वॉलन लिम्फ नोड। ओके। मीजल्स में मेनली बॉडी पे रैशेस हो जाते हैं, सर्दी जुकाम होता है, बुखार होता है और थकी हुई बॉडी रहती है। यस सर। तस्लीम। यस सर। कॉमन कोल्ड। सर, रनिंग नोज, स्नीजिंग, फीवर। अच्छा ठीक है। आयुष कुमार, चिकन पॉक्स। आयुष कहाँ गया? एक मिनट, मैं अनम्यूट करता हूँ फिर से। हाँ आयुष, यस सर। चिकन पॉक्स के सिम्टम्स सर, फीवर, टाइडनेस। कुछ और जिसे देख के आप बता सको इसे स्मॉल चिकन पॉक्स है? सर, स्किन रैश। सिर्फ रैश होता है, कुछ और भी होता है? रैश मतलब खुजली वुजली टाइप का, या थोड़ा सर, रेडिशा दाना वगैरह। दाना निकल आता। हाँ ब्लिस्टर्स होते हैं। ठीक है, पूरे स्किन पे ब्लिस्टर्स होते हैं। यस सर। ठीक है, वो रेड स्पॉट्स लाइक सर। रेड स्पॉट्स थोड़ा बड़ा सा। ठीक है। आदिति, यस सर। एड्स के सिम्टम। कफ, हेडेच, वाइट टंग, पेन इन एब्डोमेन। ठीक है। प्रज्ञा प्रियदर्शनी, यस सर। हेपाटाइटिस बी। सर, हेपेटाइटिस बी। ठीक सर, लॉस ऑफ एपेटाइट, नॉजिया, माइल्ड फीवर, जॉन्डिस एंड डार्क कलर यूरिन। लॉस ऑफ एपेटाइट
का मतलब क्या होता है? सर लॉस ऑफ वेट. लॉस ऑफ वेट, अच्छा. और नौजिया का मतलब? सर फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग. अच्छा. लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब वेट नहीं होता है, खाना खाने का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, ठीक है, उसके कारण वेट लॉस होगा. ओके सर. ओके. भार्गवी? यस सर. कॉलेरा? कॉलेरा वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन, sunken eyes and skin become cold and breathless. कोई ऐसी चीज जिससे आप बता सको कि हाँ भाई इसको कॉलेरा है? सर डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन ये तो बाद में होता है. डायरिया बोलते हैं. डायरिया में फीकल मैटर्स जो होते हैं बॉडी के सॉलिड एक्सक्रीटा, वो बहुत जल्दी जल्दी और वाटरी डिस्चार्ज होते हैं. ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, किसी को कॉलरा हुआ है तो. चलिए ठीक है. अनुष्का? यस सर. टाइफाइड? हाई फीवर, हेडेक एंड एक्सट्रीम वीकनेस. फिर से बोलिए जरा एक बार. हाई फीवर, हेडेक एंड एक्सट्रीम वीकनेस. अच्छा ठीक है. अनुराग? अनुराग वर्मा? यस सर. टीबी, ट्यूबरक्यूलोसिस? टीबी. टीबी हाँ. स्नीजिंग? स्नीजिंग कोल्ड. अच्छा कोल्ड. कोल्ड मतलब ठंडी लगेगी. यस यस. विश? यस सर. आप ये बताइए कि टीबी और कॉमन कोल्ड के पेशेंट्स को आप पहचानोगे कैसे कि ये कॉमन कोल्ड का है और ये टीबी वाला है? टीबी में कॉफ होता है और वेट लॉस होता है. अच्छा. और सर कॉमन कोल्ड में रनी नोज और स्नीजिंग, आई फीवर भी होते हैं. कुछ एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज से कोई संबंध नहीं है इनका? चलिए ये समृद्धि बताएंगे. समृद्धि? समृद्धि कुमारी? यस सर. टीबी और कॉमन कोल्ड का एक्यूट और क्रॉनिक डिफरेंस के बिहाफ पे कोई डिफरेंस है? नहीं पता सर. नहीं पता. एक्यूट और क्रॉनिक के बीच में डिफरेंस पता है? यस सर. एक्यूट मतलब? एक्यूट मतलब जो शॉर्ट पीरियड में चलता है, और क्रॉनिक मतलब जो लॉन्ग पीरियड में चलता है. कॉमन कोल्ड जल्दी खत्म हो जाता है या टीबी जल्दी खत्म हो जाता है? कॉमन कोल्ड जल्दी खत्म हो जाता है और टीबी मतलब लॉन्ग टाइम तक चलता है. सिंपल है ना, कॉमन कोल्ड एक्यूट हुआ और टीबी क्या होता है? क्रॉनिक हुआ. यस सर. आप बोल क्यों नहीं पा रहे थे फिर? आपको तो आता है. ओके आनंद. यस सर. टेटनस? सर फीवर, हाई ब्लड प्रेशर. एक और चीज होती है टेटनस में जो सबसे अलग है. बोलिए सर आप. मैं तो बोल रहा हूँ टेटनस में एक और चीज होती है जो सबसे अलग होती है, जिसको देख के आप पहचानोगे कि यही टेटनस का सिम्टम है.
फीवर तो सब में ही हो रहा है ना, एक ऐसी चीज जो सिर्फ टेटनस में होती हो उसको हम बोलते हैं जॉ लॉकिंग, ठीक है। ये जो जबड़ा होता है वो टेढ़ा हो जाता है, यस ठीक है। आदित्य राज। यस सर। एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स skin nuclear with a dark scrub to differently breathing। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है तुम देख के बता रहे हो, इसका मतलब कॉपी में लिखे थे तब। आपके स्किन पे ब्लैक कलर का अगर फोड़ा टाइप का निकल जाए, ठीक है, बड़ा सा थोड़ा डार्क स्क्रैच, हाँ वो डार्क ब्लैक कलर का निकलेगा, ठीक है, तो वो एंथ्रेक्स कहलाता है, कई सारे निकल जाए। रिधि। यस सर। फूड पॉइजनिंग। सर फीवर, वॉमिटिंग, डिजीनेस, डायरिया, हेडेक, एब्डोमिनल पेन। वॉमिटिंग, तो वॉमिटिंग बोला आपने। यस सर। अच्छा फिर ठीक। पीयूष सिंह। पीयूष सिंह। रेशु कुमार। रिशु कुमार। यस सर। स्किन इन्फेक्शन या जो फंगल इन्फेक्शन होता है उनको कैसे, सिम्टम्स क्या है स्किन इन्फेक्शन का? सर रिंगवर्म जैसे नेल फंगस इन सब चीजों का हो जाना स्किन पे। तो कैसे पता चलेगा, क्या होता है उसमें? किसी को हुआ है या नहीं हुआ है वो कैसे पता चलेगा? सर बाय लुकिंग एट हिज स्किन। लुकिंग एट हिज स्किन। यस सर। तो उसकी स्किन पे देख के हम क्या देखेंगे? सर उसके स्किन पे कुछ बम्प्स आ जाएंगे, बम्प्स की तरह कुछ रैशेस, इचिंग। यस सर। कुछ रिंग टाइप का फॉर्मेशन, हल्की हल्की बल्जिंग्स, कभी कभी वहां से वॉटरी सिक्रीशन निकलना, ये सब स्किन इन्फेक्शन, ठीक है। कमिंग टू वैभव। वैभव। वैभव सिंह। पिंक। वैभव। यस सर। यस यस यू आर ऑडिबल नाउ। मलेरिया के सिम्टम्स क्या है? चिल्स, फीवर एंड स्वेटिंग। एक बार और। चिल्स, फीवर एंड स्वेटिंग। इसमें चिल्स का मतलब क्या है? सर चिल्स, इसमें चिल्स का मतलब क्या है? शिवरिंग और शेकिंग ऑफ समवन। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप देख के बता रहे हैं? नो सर, व्हेन आई वाज राइटिंग देन आई गूगल्ड इट। ओके। चिल्स का मतलब होता है ठंडा बुखार, ठीक है। कभी चढ़ा है किसी को ठंडा बुखार इतने बच्चों में से? रेज योर एनीवन। कभी किसी को बुखार चढ़ने में बहुत ठंडी लगी हो? दो पार्टिसिपेंट्स ने हैंड रेज किया है। स्वर्णा।
अच्छा रेंज, कोई भी बताओ जिसको मैंने अनम्यूट किया हो, क्या होता है उसमें? रिधि, स्वर्णा, जो भी अनम्यूट हुआ है, किसी को नहीं चढ़ा है ठंडा बुखार? अभी तो कई बच्चों ने चढ़ाया, हाथ उठाया था। ऐसा तो नहीं हुआ होगा किसी को ठंडा बुखार नहीं चढ़ा है, जिस समय आपको गर्मी में भी कंबल लेने का मन करता हो कि कुछ भी मेरे ऊपर उड़ा दिया जाए तो भी सही रहेगा, अचानक से ठंडी लगने लगती, नहीं चढ़ा है। चलिए, अभी चढ़ा भी होगा तो नहीं बताएंगे बच्चे। तो वैसा ही बुखार मलेरिया में आता है, ठीक है, और बड़ा टाइमली बुखार आता है, मतलब ऐसा नहीं है कि दिन भर रहेगा, एक पर्टिकुलर टाइम में आएगा। आशु क्या कह रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आया। ओके ठीक है, कनिष्का? यस सर। काला आजाद सर, इसमें वीकनेस होता है, एक्सेसिव वेट लॉस होता है और आरबीसी और हेमोग्लोबिन में बहुत डेफिशिएंसी हो जाता है, ब्लड का लॉस हो जाता है, ब्लड काफी कम हो जाता है, ठीक है। ओके बच्चे, ओके ठीक है। कितने बच्चों से नहीं पूछा गया, हैंड रेज कीजिए अभी जो यहाँ पर है। दो पार्टिसिपेंट ने हैंड रेज किया, स्वर्णा और शुभम। स्वर्णा से तो पूछा था, पता नहीं आवाज ही नहीं आ रही थी। ओके शुभम। यस सर। अमीबिक डिसेंट्री, एब्डोमिनल पेन, वेट लॉस, ब्लड इंस्टॉल, फीवर, फैटिग। ब्लड इन स्टूल का मतलब सर नहीं पता। ब्लड इन स्टूल, कभी कभी जो फीसेस होते हैं, फीसेस का मतलब जो सॉलिड एक्सक्रीटा है उसमें क्या आने लगता है, ब्लड आने लगता है, इसको कहते हैं ब्लड इन स्टूल। स्टूल का मतलब फीसेस होता है, ठीक है, और ये अमीबिक डिसेंट्री का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि जब किसी को अमीबिक डिसेंट्री हुई रहती है तो उसके फीसेस में ब्लड भी आने लगते हैं एक्सक्रीटा में। और कौन बचा है? स्वर्णा बच्चे, स्वर्णा कहाँ है? हाँ, स्लीपिंग सिकनेस। स्वर्णा, चेंज इन बिहेवियर, हेडेक्स एंड फीवर। चेंज इन बिहेवियर, हेडेक एंड फीवर। फीवर कुछ ऐसा जो इसमें अलग होता हो बाकी डिजीजेस से, जैसे मैं जो चीजें सुन रहा हूँ वो गूगल की चीजें सुन रहा हूँ या बड़ा बुकिश सा लैंग्वेज सुन रहा हूँ, कुछ और जो इस डिजीज को सबसे अलग बनाता हो? सर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। गुस्सा आता है, ठीक है। जो नाम इसका पड़ा है स्लीपिंग सिकनेस, इसका मतलब क्या, नींद ज्यादा आती है या कम आती है इस बीमारी में? नहीं पता है सर। नींद कम आती, ज्यादा तो आप लोग को भी आती है ना? यस सर। हाँ, थोड़ी कम आती है इसमें। ओके बच्चों, नेक्स्ट डिजीज इज इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस। एनीवन हु वांट टू आंसर जस्ट रेज योर हैंड, नहीं तो मैं दूंगा आंसर। अगर कोई बच्चा जो इसका आंसर देना चाहता हो, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, इसको अमीबियासिस, सॉरी इसको एस्केरियासिस भी बोलते हैं, एस्केरियासिस। इस बीमारी का सिम्टम क्या होता है? शुभम ने आंसर दिया, स्वर्णा बताना चाहती है। जी स्वर्णा बताइए। सर वॉमिटिंग। डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, ठीक है। ठीक है, जितने बच्चों ने चैट में भी आंसर दिया है सही है,
वॉमिटिंग है, फीवर है, हेडेक है, ठीक है। आयुष, अनुराग और शुभम ने आंसर दिया इसका। एक्चुअली में एस्केरियासिस भी इंटेस्टाइन की बीमारी है, तो इसमें कई बार डायरिया के सिम्टम्स आ सकते हैं और साथ ही साथ खाना जल्दी हजम नहीं होता है आप लोगों का, और उल्टियां होना आम बात है, और कभी कभी ज्यादा होने से सर दर्द भी होने लगता है बच्चों। हाँ, मसल्स पेन भी होगा आगे चल के। बच्चों एक क्वेश्चन था मेरा, आज के करीब 3 या 4 साल पहले गवर्नमेंट ने एक दवाई चलाई थी जो इंटेस्टाइन में जो कीड़े होते हैं उनको मारने के लिए, उस दवा का नाम पता है एनीवन? आप लोगों के भी स्कूल में बांटी गई होंगी, 15 साल से जो बड़े लोग थे उनको खाना ही था, गवर्नमेंट ने एक दवा बंटवाई थी सबको खाने के लिए, ऑलमोस्ट टू एवरी प्लेसेस। एल्बेंडाजोल, गुड गुड गुड, 3 बच्चों ने सही आंसर दिया है, अनुष्का, प्रज्ञा और भार्गवी। भार्गवी की स्पेलिंग गलत है लेकिन आंसर सही है। उस दवा का नाम एल्बेंडाजोल था और वो एल्बेंडाजोल हर बच्चे को खिलाई गई थी ताकि ये जो यही बीमारी होती है एस्केरियासिस, छोटे छोटे पतले पतले वॉर्म्स होते हैं ये इंटेस्टाइन में चले जाते हैं, ठीक है, अक्सर नॉन वेज खाने के साथ जाते हैं, कई बार कुछ फ्रूट्स के साथ भी जा सकते हैं, हालांकि फ्लेश खाने वाले लोगों में ज्यादा पाए जाते हैं। तो अगर खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है आपका, और खाना डाइजेस्ट नहीं होने के साथ साथ अगर आपको इस तरह की चीजें लग रही हैं कि उल्टियां हो रही हैं या फिर कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं, तो हर इंसान को 6 महीने या 1 साल पे एल्बेंडाजोल खा लेना चाहिए, जिससे क्या होता है कि खाना पचने में प्रॉब्लम नहीं होती, उसके बाद जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है वो बड़ी स्मूथ हो जाती है, क्योंकि ये जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वॉर्म्स होते हैं, ये आपके इंटेस्टाइन में हमेशा रहते हैं, ठीक है, क्योंकि खाने के थ्रू जा रहे हैं और वो रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, जितना बढ़ते रहेंगे उतना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो इसी चीज को देखते हुए गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई थी और एल्बेंडाजोल पूरे स्कूल्स वगैरह में दिए गए थे हर बच्चे को, और किसी भी एज के लोग इसको एज पर प्रिस्क्राइब्ड डॉक्टर्स कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं करना चाहिए, 6 महीने से 1 साल के गैप पर करना चाहिए। नेक्स्ट डिजीज इज एलिफेंटियासिस। इसके सिम्टम्स कौन बताना चाहता है? जी प्रज्ञा बताइए। Yes, sir. Long-term damage to the limb system causes swelling in the legs and arms and harden the skins of the legs. Okay, प्रज्ञा आपका भी सही है आंसर, कनिष्का, वैभव, अदिति और अनुराग, ठीक है, सबका आंसर सही है। कभी किसी ने एलिफेंटियासिस के पेशेंट को देखा है, पर्सनली ऑब्जर्व किया है? भार्गवी आपने देखा है, आशु ने भी देखा है। मैं आप दोनों में से किसी एक को अनम्यूट करना चाहूंगा ताकि पहले कौन है? ओके भार्गवी आप बताइए, एलिफेंटियासिस कैसा मतलब पेशेंट था, उसका हाथ फूला हुआ देखा आपने या पैर देखा? पैर में दोनों देखा या एक देखा?
पैर देखा था, एक ही पैर था। अच्छा ठीक है। आशु आपने क्या देखा था? सॉरी आशु। यस सर, सर देखा तो सर एक ही पैर में था सर, दोनों। जनरली हम बोल तो देते हैं, ठीक है बच्चों, सही बात है, हम बोल देते हैं एलिफेंटियासिस में पैर या हाथ के लिम्स जो होते हैं या लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, स्वेल कर जाते हैं। लेकिन अगर हम ऑब्जर्व करें तो 99.99% पेशेंट्स के केस में एक पैर ही इन्फेक्ट होता है, और वो पैर जो होता है ठीक है वो नीचे की तरफ से स्वेल होना स्टार्ट होता है, ठीक है। और जो पैर के बीच में टिश्यूज होती हैं, टिश्यूज के फ्लूइड्स क्या होने लगते हैं वो मतलब बढ़ने लगते हैं, जिसकी वजह से पैर क्या होने लगता है वो भी साइज में इंक्रीज करने लगता है। और ये एक वॉर्म्स की वजह से होता है, इसको हम फाइलेरियल वॉर्म कहते हैं। और ये पैर इतना ज्यादा स्वेल कर देता है, इतना ज्यादा स्वेल कर देता है कि वो पैर हाथी की तरह दिखने लगते हैं, जिसकी वजह से इस बीमारी का नाम भी एलिफेंटियासिस या हाथी पांव रखा गया है। हिंदी में इसे हाथी पांव कहते हैं, इंग्लिश में एलिफेंटियासिस। आदित्य, सॉल्ट एंड ग्रेजर रिस्क ऑफ फ्रीक्वेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन हार्डन एंड थिकन द स्किन एलिफेंटियासिस। बिल्कुल सही बात है आदित्य। सो क्लास, इतने में जितने भी डिजीज पढ़े गए हैं क्या सबके सिम्टम्स आप लोगों को क्लियर हो गए बच्चों? हैंड रेस कीजिए, सबका सिम्टम क्लियर हो गया? ठीक है बच्चों, आउट ऑफ 19 स्टूडेंट सिर्फ 14 स्टूडेंट्स ने हैंड रेस किया। अगेन कुछ बच्चे मुझे लग रहा है आके सोने चले जाते हैं क्लास में। ठीक है बच्चों, हैंड्स डाउन कर लीजिए एवरीवन। नाउ इट्स टाइम टू आस्क द टर्म्स दैट यू आर फेसिंग प्रॉब्लम विद। बहुत सारे सिम्टम्स में तुम लोगों ने प्रॉब्लम फेस किया होगा, तुम लोगों को पता नहीं चला होगा ये मतलब क्या है इसका, ठीक है। अब आप जैसे मुझे कुछ चीजें लगेगी जो आपको नहीं आती होंगी, फेटीग, नोजिया, एपेटाइट, डायरिया, चिल्स, फीसेस या ब्लिस्टर्स क्या होते हैं ये मैंने बता दिया। अब तुम लोग को जो लग रहा हो कि ये सर ये वाला टर्म मुझे नहीं समझ में आया, एक एक करके मेरे से पूछो, ठीक है। एंथरेक्स बता दें, वो सर इस फाइलेरिया एंड एलिफेंटियासिस, ये फाइलेरिया वॉर्म का नाम है, एलिफेंटियासिस बीमारी का नाम है, जिस जो बीमारी कॉज करता है उसका नाम फाइलेरिया फाइलेरिया है, फाइलेरियल वॉर्म, और जो एलिफेंटियासिस है वो बीमारी है। और जो बीमारी को एलिफेंटियासिस के अलावा फाइलेरियासिस भी बोल सकते हैं। एंथरैक्स बता देते हैं, एक मिनट एक एक करके बताता हूँ। एंथरैक्स में जनरली क्या होता है, ये कैटल्स से होने वाली बीमारी है, कैटल्स में बैक्टीरिया चले जाते हैं और कैटल्स के थ्रू हमारे अंदर आ जाते हैं। तो हमारे अंदर आने के बाद एंथरैक्स में बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, स्किन बॉडी रिलेटेड या नेजल कैविटी में भी कई सारे इन्फेक्शन देखने को मिलते हैं। लेकिन सबसे बड़ा इसका सिम्टम होता है कि हाथ पे या पैर पे कई जगह पे ब्लैक ब्लैक कलर करके, ठीक है, मोटे मोटे से ब्लिस्टर्स टाइप के निकल के आ जाते हैं। एक मिनट आप लोग मुझे टाइम दीजिए तो मैं आप लोग को विथ इमेज दिखा सकता हूं, ताकि कभी आप भूले नहीं। एंथरैक्स को हम विथ इमेज देख लेते हैं। ये इस तरह के ब्लिस्टर्स देखिए जो मुंह पर है, हो यहाँ पे होट स्वेल हो गया, ये देखिए ये ब्लिस्टर्स इस तरह से होते हैं ब्लैक कलर के, ठीक है, इस तरह की स्वेलिंग हो जाती है और ब्लैक ब्लैक कलर का धब्बा पड़ जाता है। तो इस तरह का है तो आप आंख बंद करके कह सकते हैं कि हाँ ये एंथरैक्स है। मेंटल कंफ्यूजन होता है जिसमें आपको यही नहीं समझ में आया कि मैं जो करने जा रहा हूं, ठीक है, मतलब आप कर सोच कुछ और रहे, कर कुछ और रहे, ठीक है, आप जो कर रहे हैं उसकी तरह नहीं सोच रहे। जैसे आपको खाना खाना है, ठीक है, आप बीच में बैठ के कुछ और करने लगे तो इसको मेंटल कंफ्यूजन कहते हैं, मतलब आप खुद ही में कंफ्यूज हैं। ओके, जस्ट
एक एक करके लेते हैं। अनुराग ने कहा टीबी क्या होता है, टीबी ट्यूबरकुलोसिस होता है, या आपके लंग्स नीचे लंग्स के अंदर की बीमारी होती है, और इसमें क्या होता है बहुत ज्यादा कफ जम जाता है अंदर की तरफ और इंसान कंटिन्यू कफिंग करता है। जैसे कॉमन कोल्ड में 3 दिन हुआ, 4 दिन स्नीजिंग हुआ, खत्म हो गया, लेकिन इसमें टीबी में इंसान कंटिन्यूअसली खांसता रहता है और ये प्रोलॉन्ग बीमारी होती है। काला आजार में जनरली क्या होता है कि वेट लॉस बहुत जल्दी होता है और इंसान का जो स्किन है वो काला काला सा पड़ने लगता है, ब्लैकिश सा होने लगता है, इसी वजह से इसका नाम काला आजार पड़ा है। और मैं शिवरिंग का मतलब कांपना होता है। एक एक करके बताने दो भाई, एक एक करके। कनिष्का का हो गया, आदित्य, म्यूकस और ब्लड इन स्टूल, जो एक्सक्रीटा होता है सॉलिड एक्सक्रीटा, इसको फीसेस कहते हैं हम लोग, ठीक है, उसमें अगर ज्यादा वाटरी लुब्रिकेंट ज्यादा आ रहा है, वाटरी ज्यादा सिक्रीशन हो रहा है या फिर ब्लड आने लगा, तो समझ लीजिए कि ये म्यूकस और ब्लड का सिक्रीशन हो रहा है स्टूल के साथ। मेंटल कंफ्यूजन तो बता दिया शुभम का मैंने। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख का ना लगना, खत्म हो जाना, जिसके वजह से वेट लॉस होना। इज इट अ क्रॉनिक डिजीज, कौन सा डिजीज कनिष्का, मैं समझा नहीं। कंजेशन हार्ट केयर से रिलेटेड डिजीज होता है, जिसमें कॉन्जेस्टिव हार्ट डिजीज होती हैं, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज भी होती हैं, तो कॉन्जेशन हार्ट से रिलेटेड डिजीज को हम जनरली बोलते हैं। प्रज्ञा, म्यूकस, अमीबिक डिसेंट्री में क्या होता है, एक प्रोटोजोआ होता है, वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में जा करके क्या करता है, लार्ज इंटेस्टाइन को अमीबिक डिसेंट्री में जनरली क्या होता है कि जो अमीबा गया है आपके अंदर, वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन को ब्रेक करने लगता है, तोड़ने लगता है, जिसके वजह से ब्लड आता है और ब्लड आपके एक्सक्रीटा में मिलके बाहर आता है। अल्सर्स जो होते हैं बच्चों, आपके मुंह में छाले हुए हैं कभी, उनको अल्सर्स कहते हैं, ठीक है। इस तरह के छाले कई बार बॉडी के अंदर के साइड भी होते हैं। डायरिया का मतलब होता है फीकल मैटर्स जो होते हैं वो बहुत वाटरी, कई बार ऐसा होता है ना पेट खराब हो जाता है तो बहुत ज्यादा वाटरी फीकल मैटर्स निकलते हैं, तो उसको डायरिया कहते हैं। शुभ का हो गया क्वेश्चन। नाइट स्वेट्स, रात में पसीना आना, कई बार ऐसा होता है कई लोगों को, ठीक है, ये इसमें देखने को मिलता है स्लीपिंग सिकनेस में। एब्डोमिनल पेन, ये जो पेट के ऊपर और चेस्ट के नीचे के जो रीजन है वहां पर पेन होना एब्डोमिनल पेन कहलाता है। अमीबिक डिसेंट्री बता दिया, एंथरैक्स अभी जस्ट बताया, भी दिखाया भी कनिष्का। अच्छा, एंथरैक्स का पूछ रही हो कि क्रॉनिक है कि, देखो एंथ्रेक्स पहले तो क्रॉनिक हुआ करता था, लेकिन अब एंथ्रेक्स की का वो है हमारे पास इलाज है, तो इट इज नाउ एक्यूट। और किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है? स्वर्णा, ब्लॉची स्किन रैश जब पड़ते हैं ना तो लाल लाल से जो धब्बे पड़ जाते हैं तो उसको ब्लॉची कहते हैं, कि वो पैचेस के साथ स्किन का रैश होना, ठीक है, ऐसे गोल गोल से धब्बे पड़ने लगते हैं जब आप ज्यादा रैशिंग करते हैं। एंटीबायोटिक्स पढ़ाया जाए बच्चों, एंटीबायोटिक्स पढ़ा दिया गया था, अभी पढ़ाना बाकी है। एंटीबायोटिक्स हो गया था बच्चों या अभी पढ़ाना बाकी है? फ्रॉम माई साइड यस सर, मतलब क्या पढ़ा दिया गया है? वी हैव टू स्टार्ट एंटीबायोटिक्स,
आशु कह रहा हो गया था, वैभव कह रहा हो गया है। यस सर। ये कौन कह रहा है वी हैव टू स्टार्ट? प्रज्ञा बोल रही वी हैव टू स्टार्ट। ऐसे मत बोला करो, दो दो बातें तुम लोग एटलीस्ट कोई रिपीट कर देंगे वो अलग बात है। मैं भी पूछ रहा हूँ हो गया था कि नहीं। भार्गवी कह रही स्टार्ट करना है, ठीक है मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ। स्टार्ट करना है तब भी रिपीट करना पड़ेगा, और वैसे भी लड़कियां जितनी कह रही नहीं, और लड़के जितने कह रहे हैं सर हो गया है, ये इन लोग अपने में ही फाइट फाइट खेल रहे हैं। वेक्टर्स तक हुआ था वैभव बोल रहा है, ठीक है। चलिए एंटीबायोटिक्स में एक बार और बता देता हूँ। एंटीबायोटिक्स वो टॉक्सिन्स होते हैं जो दूसरे पैथोजन को ग्रो नहीं होने देते, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स किसी माइक्रोब के द्वारा, किसी माइक्रोब के थ्रू सिक्रेटेड वो टॉक्सिन्स हैं जो अदर माइक्रोब्स को ग्रो नहीं होने देते या उनको किल कर देते हैं। तो जैसे मान लो कि कोई एक माइक्रोब दूसरे माइक्रोब को मार रहा है, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। जैसे आपके अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया, तो आप उस माइक्रोब को खा लीजिए जो उस जो आपके अंदर डिजीज कॉज कर रहा है, उस माइक्रोब को किल कर देगा, ठीक है। तो उसको हमने क्या बना लिया, एंटीबायोटिक बना लिया। तो हमने उस टॉक्सिन को या उस केमिकल को निकाल करके दवा बना लिया, ड्रग्स। और उसको हम, कोई बीमारी होती है जिस पैथोजन के थ्रू बीमारी होती है, उसका हम वो एंटीबायोटिक खा लेते हैं। जब एंटीबायोटिक खाते हैं तो वो टॉक्सिन जाके उस पैथोजन को किल कर देता है, जिसके हेल्प से आप बच जाते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन और टेट्रासाइलिन। अब ये करता क्या है, ये टॉक्सिन या एंटीबायोटिक करता क्या है? ये जाता है, ज्यादातर ये बैक्टीरिया के केस में खाए जाते हैं, तो ये जाता है बैक्टीरिया का सेल वॉल क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय करता है, उसमें पोर क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो सेल वॉल को क्या करता है, ये एंटीबायोटिक डिस्ट्रॉय करता है, जिसके हेल्प से बैक्टीरिया को ये किल कर देता है। लेकिन वायरस के खिलाफ एंटीबायोटिक वर्क नहीं करता, क्योंकि वायरस के पास सेल वॉल नहीं होती है। यही वजह है कि जब किसी को वायरल इन्फेक्शन होता है, डिजीज होता है, तो उसको बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बिकॉज हमारे पास उसके खिलाफ कोई एंटीबायोटिक नहीं होता है। ओके सो दिस आर द मोड्स ऑफ इन्फेक्शंस। ये भी मुझे लग रहा कि बता दिए थे, लेकिन चलो अब रिपीट कर रहे हैं तो सब ही कर लेते हैं। डिजीज के फैलने के कई सारे रीजंस हो सकते हैं, कई सारे तरीके हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला तरीका है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। जब आप किसी के टच में रहो, कॉन्टैक्ट में रहो, ठीक है, चाहे आप हाथ मिला रहे हो, क्या गले मिल रहे हो किसी से, ठीक है, या फिर रिप्रोडक्टिव टच हो, किसी भी तरह का टच होने में जो बीमारियां कैरी होती हैं उसको हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कहते हैं। कई बार बीमारी, इसका मुझे दो एग्जाम्पल अभी चाहिए। एयर के थ्रू आप लोग बस डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। एयर के थ्रू होने वाले, जो एयर से कैरी होती है, उसके दो एग्जाम्पल लिखिए। इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट मतलब किसी पेशेंट ने कोई चीज यूज की और उसकी यूज की हुई चीज आपने यूज कर ली, तो वैसी बीमारियां अगर फैल रही हैं तो उसके दो एग्जांपल्स लिखिए। खाने के थ्रू फैलने वाली दो बीमारियां, जो मॉस्किटोज वगैरह कैरी करते हैं उसके, तो दो बीमारियां, या फिर रैबिड एनिमल्स का रहन दो, एनिमल्स के द्वारा फैलाने वाली बीमारियों को रहन दो। हालांकि एंथ्रैक्स है, रेबीज है, ये सब जानवरों से ही फैलते हैं, ऐसे नहीं अनुष्का ऐसे मत लिखो, एक एक करके, एक एक करके लिखोगे तो फिर ऐसे, आप ये लिखो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब इसमें आप जो दो बीमारियां हैं वो लिख दो, जैसे आपने एड्स कहा तो ठीक है, लेकिन दो बीमारियां लिखो, एक मत लिखो। आई वॉन्ट कंप्लीट आंसर, एटलीस्ट एक एक का तो कंप्लीट करके दे दो आप लोग, ठीक है। प्रज्ञा ने कंजक्टिवाइटिस और एड्स दिया, ठीक है। एयर से हैंड रेज ही कर दो ना, लिखने का झंझट ही खत्म हो जाएगा।
एयर से फैलने वाली कोई दो बीमारियां डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से आशु ने कोरोना एड्स, ठीक है कोरोना भी कह सकते और कोई बच्चा इम्पीटीगो और एड्स, ये ऐसा लग रहा है इसने कहीं से देख के बताया, खैर कोई बात नहीं बताया है अच्छी बात। आई वॉन्ट आंसर ऑफ एयर, नॉट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट खत्म कीजिए, एयर से फैलने वाली दो बीमारी। आशु आप बताओ, अनम्यूट किया मैंने आपको, हवा से फैलने वाली दो बीमारियां तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में, नहीं नहीं एयर 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 कोरोना वायरस और बहुत सी बीमारियां हवा में फैलती हैं। अभी तुमने कई सारी बीमारियों का नाम पढ़ा, अरे ट्यूबरक्यूलोसिस है, टीबी है, न्यूमोनिया है, कॉमन कोल्ड है, ये सब हवा से ही तो फैलती हैं। किसी ने छींका तुमने ले लिया, ठीक है ठीक है, इट्स ओके इट्स ओके। पीयूष है, पीयूष अनुष्का अभी आ रहा बच्चों का इन्फ्लुएंजा टीम। अनुष्का आप ये बताइए इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट से होने वाली दो बीमारियां, I don't know. इसका आंसर तो इसमें भी नहीं आ रहा है। By drinking water of another person. Drinking water और food का अलग केस है, इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट जैसे किसी का कपड़ा आपने पहन लिया किसी पेशेंट का, चलो ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर में भी कौन सा केस हो सकता है बताओ, मलेरिया नहीं होगा आयुष, फंगल इन्फेक्शंस, स्किन इन्फेक्शंस, ठीक है ये किसी इनडायरेक्ट टच से हो सकता है, किसी ने किसी का कपड़ा साबुन तौलिया शैम्पू ये सब यूज कर लिया या किसी का पिया हुआ पानी ग्लास यूज कर लिया, ये सारी चीजें इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आती हैं बच्चों। कॉलरा फूड की कैटेगरी में क्या क्या आता है, चलो एक तो कॉलरा आ गया एक बच्चे ने बोला, और दूसरा बच्चों आस्था तुम बताओ कॉलरा के अलावा और क्या है जो फूड से कैरी होगा। सर आई डोंट नो। वेरी गुड। कनिष्का यस सर तुम बताओ। गुड। आयुष आदिति वैभव सही है आपका आंसर, ठीक है बच्चों ने आंसर दे दिया है, डायरिया बोला फूड पॉइजनिंग बोला किसी ने अलग अलग आंसर दिया आप लोगों ने। मॉस्किटो और इंसेक्ट से होने वाले में एक बच्चे ने मलेरिया बोल दिया था, दूसरा और कोई बीमारी जो मॉस्किटो से होता हो बच्चों, कोई भी बच्चा डेंगू, गुड सब ने एक लाइन से डेंगू बोला, वैभव ने येलो फीवर बोला, ठीक है आपने दो बीमारियां अभी और पढ़ी है बच्चों जो मॉस्किटो से ही होती हैं, अलग अलग तरह के मॉस्किटो से, एक है काला आजार जो अभी आपने पढ़ा, एक है स्लीपिंग सिकनेस, ये दोनों भी मॉस्किटो से ही कैरी होती है। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी के हम लोग नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे बच्चों, ओके दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी की चीजें हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ओके जो भी क्वेश्चंस हो कल तस्लीम कल हम लोग डिस्कस करते हैं। एक्चुअली आई हैव